म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल का 12वां सीजन अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाया रहता है और शो के किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां शो में लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर अमित कुमार की मौजूदगी में किशोर दा के 100 सुपरहिट गाने मंच पर पेश किए गए। लेकिन फिर भी इस एपिसोड को फैंस और दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया और शो के जजेज को जमकर ट्रोल किया। जी हाँ दोस्तों, शो में कंटेस्टेंट और जजेज ने किशोर कुमार को ट्रिब्यूट दिया था जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसी बीच दोस्तों, अब किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार का रिएक्शन भी आ गया है और उनका कहना है कि उन्हें भी यह एपिसोड पसंद नहीं आया। यही नहीं, अमित कुमार ने शो में जाने की एक बड़ी वजह भी बताई और कहा कि सभी को पैसों की जरूरत होती है, मैंने जो पैसे मांगे उन्होंने मेरी डिमांड पूरी की तो मैं क्यों नहीं जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सो जजेज और कंटेस्टेंट की इज्जत करता हूँ, इस तरह की चीजें कभी कभी हो जाती है। जी हाँ, जज नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया ने किशोर कुमार जी के गाने गाए तो उन्हें जमकर ट्रोल किया गया, मुझे ये भी मालूम है। लेकिन सच कहूँ तो मैंने भी इस एपिसोड को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। जी हाँ, तो दोस्तों, सिंगर अमित कुमार के खुलासे के बाद अब ये तय हो गया है कि शो में वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए गए थे और शो में सिर्फ उन्हें कंटेस्टेंट की तारीफ करनी थी। वैसे दोस्तों, सिंगर अमित कुमार के एक बड़े खुलासे के बाद शो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपने जवाब कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।